हेलो एवरीवन तो आज हम मिलेट का बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी लंच बनाने वाले हैं जिसमें हम ढेर सारी सब्जियां यूज़ करेंगे जर्नली डॉक्टर एंड डाइटिशियन हमें सलाह देते हैं कि मिलेट को अपनी डाइट में ऐड करें लेकिन ऐड किस तरह से करें उसमें हमें समझ नहीं आता तो यहां पर मैं आपको बहुत ही ईजी एंड टेस्टी रेसिपी आपको बता रही हूँ आपने सरसों का तेल लेना है उसमें तेज़ डालोगे एक मोटी इलायची डालोगे एक चम्मच आपने यहाँ पर ज़ीरा डालना है और उसके बाद जो भी सब्जियाँ हमने चॉप करी है जैसे बीन्स आलू मटर न्यूट्री मैंने वॉश करके यहाँ पर ली है वैसे सारी ही सब्जियाँ वॉश्ड है उसके बाद शिमला मिर्च डाले के सारी सब्जियाँ हमने इसमें डालनी है कुकर में और इसे एक दो तो मिनट तक हमने चलाना है सो दैट ये थोड़ी सी क्या हो जाए सॉफ्ट हो जाए सब्जियाँ उसके बाद आपको इसमें हल्दी डालनी है और देगी मिर्च मैंने यहाँ पर डाली अपने हिसाब से आप मिर्च डाल सकते हो और नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा डाल सकते हो फिर से हम यहाँ पर चलाए सब्जियों को अब ये जो मिलेट होते हैं ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं तो यहाँ पर देखो कि सब्ज़ी का कलर कितना सुंदर आ गया है अब हम ढक कर इसे दो मिनट तक के लिए पकाएंगे सो दैट इसमें सारे जो मसाले हैं वो अंदर तक इसमें एब्जॉर्ब हो जाए दो चम्मच हम यहाँ पर गर्म मसाला यूज़ कर रहे हैं इसकी खुशबू बहुत ही टेस्टी आती है उसके बाद आपको एक कटोरी पानी डालना है थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना है ताकि ये जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें सब्जियों में लग जाए अंदर तक ये एब्जॉर्ब हो जाए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक कटोरी ब्राउन टॉप मिलेट जो कि एक पॉजिटिव मिलेट है आप कोई दूसरे मिलेट्स भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हो वो भी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो गए यहाँ पर मिलेट्स को मैंने पाँच से छः घंटे के लिए पहले ही पानी में सोख करके रखा था लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्टली भी आप वॉश करके मिलेट्स को यूज़ कर सकते हो अब पानी आपको लेना है चार कटोरी एक कटोरी मिलेट के लिए आप यूज़ करोगे टोटल चार कटोरी पानी तो मिलेट और पानी का रेशो आपको यहाँ पर वन इज़ टू फोर में रखना है अब ढक करके हमें इसे तीन विसल आने तक पकाना है तो जब इसका प्रेशर लूज़ हो जाए तब इसे खोल कर हम देखेंगे बहुत ही टेस्टी यहाँ पर मिलेट का पुलाव बन करके तैयार है ये बहुत ही टेस्टी है एक बार ज़रूर आप इसे ट्राई करना एंड प्लस ये हेल्थी भी बहुत है अगर आपके घर में किसी को शुगर है या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आप ये रेसिपी उनसे शेयर कर सकते हो आप बना के उनको खिला सकते हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करके बताना ये रेसिपी आपको कैसे लगी थैंक यू सो मच बाय